subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी होस्ट और आप सभी की दोस्त इंदु जैवरिया। तो आज अपने इस खास प्रोग्राम टीवी के किस्से में बात करने वाले हैं छोटे पर्दे के एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने हाल ही में गुपचुप तरीके से रोका किया है और इनके किस्से अब आग की तरफ फैलते जा रहे हैं। अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये फिल्मी जोड़ा आखिरकार कब शादी के बंधन में बंधने वाला है। तो फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार के लीड स्टार नील भट्ट यानी कि विराट और ऐश्वर्या शर्मा जिन्हें आप पाकी के तौर पर जानते हैं। फिर आपको बताते चले, नील भट्ट ने अपनी सगाई शादी और अपने रिश्ते को लेकर तमाम खुलासे किए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में नील भट्ट ने कई खुलासे करते हुए अपनी शादी को लेकर किया है सबसे बड़ा खुलासा। वो खुलासा क्या है आप जरा ये सुनते जाइए। जब नील भट्ट से टाइम्स ऑफ इंडिया के दौरान ये पूछा गया कि आखिरकार वो पाकी के साथ शादी के बंधन में कब बंधने वाले हैं, तो इसका जवाब देते हुए आप सभी के प्यारे विराट ने कहा कि इसी साल के अंत तक वो शादी कर लेंगे पाकी के साथ। यानी कि अब आप सभी फैंस को एक झटके के साथ दूसरी खुशखबरी भी जल्द ही मिल सकती है, यानी कि इसी साल के अंत में पाकी और विराट एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे और कर लेंगे शादी। अब आप यहाँ पर ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार इनकी ये प्रेम कहानी कब और कहाँ से शुरू हुई, तो इस बात का भी जवाब है हमारे पास। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में नील भट्ट ने इस बात का भी खुलासा किया। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी इन्हीं के शो के सेट पर। जी हाँ, जब ये दोनों शो के सेट पर शूटिंग के लिए पहली बार सितंबर 2020 के महीने में मिले थे। पहले इनकी दोस्ती हुई, धीरे धीरे ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदलती गई और ये प्यार इस कदर था कि इन्होंने एक दूसरे को कभी भी डेट नहीं किया, यानी कि इनके रिश्ते में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को इनिशियल स्टेज से यही समझकर साथ निभाया, यानी कि ये रिश्ते में आगे बढ़े कि इन्हें इसको अंजाम तक लेकर जाना है, शादी करनी है। नील ने इस बात का भी खुलासा किया कि मैं और पाकी कभी भी टाइम पास और डेट वाला सिलसिला अपने रिश्ते में रखना ही नहीं चाहते थे। हम बस ये चाहते थे कि सब कुछ अच्छा रहे और हम आखिरकार शादी करें। अब जब नील से ये पूछा गया कि आपको पाकी में क्या सबसे अच्छा लगता है, इस बात पर नील ने कहा कि मुझे पाकी पहली बात तो पूरी ही पसंद है क्योंकि मैं उनसे शादी करने जा रहा हूँ। दूसरा उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मुझे पाकी की समझदारी और उनका पागलपन सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी तरीके का व्यक्तित्व रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हम दोनों का पागलपन और समझदारी इस कदर मैच होती थी कि बस वो एक पल था जब मैंने सोच लिया भाई यही है मेरी जीवन साथी और हमने गुपचुप तरीके से कर लिया रोका। रोके के बाद तो सभी सरप्राइज हैं और सभी शॉक्ड भी हैं, साथ ही साथ सभी फैंस खुश भी हैं। लेकिन अब आपको हमने अपनी खास रिपोर्ट में बता दिया कि साल 2021 के अंत में ये दोनों कर लेंगे शादी। फिलहाल टीवी के किस्से में आज की इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही। आपको ये तो पता चल गया कि आपके प्यारे विराट और पाकी इसी साल 2021 के अंत तक बन जाएंगे शादी के बंधन में। वाले इस अपडेट पर क्या है आपका एक्साइटमेंट लेवल और क्या है आपका रिएक्शन, जरूर शेयर करें अपना ओपिनियन हमारे साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब सारा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.